बताइए भी इनमें से कौन ट्राइसैकेराइड है, यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें तीन मोनोसैकेराइड की यूनिट मिले उसे हम कहते हैं भी क्या, ट्राइसैकेराइड। बताओ कौन सा इनमें से। तो इसके लिए भी आपको बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए भी, राइबोज क्या है, ऐसी शुगर है जो आरएनए में पाई जाती है, ये क्या होती है मोनोसैकेराइड, और इसमें पांच कार्बन होते हैं। आप लोगों को इसका फॉर्मूला कमेंट करना है, ठीक है, ओके। सुक्रोज भाई ये डाइसैकेराइड होती है, इसमें एक ग्लूकोज की यूनिट होती है और एक फ्रुक्टोज की यूनिट होती है, बोलो है कि नहीं, ठीक है। स्टाइचारोस बताओ ये टेट्रासैकेराइड है, इसमें एक ग्लूकोज की यूनिट, एक फ्रुक्टोज की यूनिट और दो गैलेक्टोज की यूनिट होती है। ध्यान दीजिएगा गैलेक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड होती है, ठीक है भाई। रेफिनोज की बात करते हैं भाई, दिस इज व्हाट ट्राइसैकेराइड, जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ये भी आपकी एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और एक गैलेक्टोज से बनी होती है। तो होप सो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जो आपके नीट और जेईई में जनरली बार बार पूछे जाएंगे आप लोग हमारे चैनल को स्टडी कर सकते हैं, और वो सारी वीडियो बना रखी है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। होप सो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो अच्छे से पढ़िए, होगा बेस्ट।